क्या वो वचन जो आग है उससे तुम्हारा आमना सामना बाइबिल के वचन के बाद हुआ क्या तो छाती पर लटका के चर्च में जाने से फायदा भी क्या हुआ आप तो दिल में कपट लेके बैठे हुए वी आर डिसीविंग अवर सेल्फ बाइबिल का परमेश्वर बाइबिल के द्वारा हमको एक ऐसे ईश्वरीय व्यक्ति के साथ मुलाकात करवाना चाहता है जिसका नाम केवल वही जानता है आज तक उसका प्रचार नहीं किया गया उस व्यक्ति से इनकाउंटर होना चाहिएगा उसकी आंखें आग की ज्वाला है हमारे यीशु ने आंखों से आंसू या भीगी आंखों से देखा है कबूतर वाली आंखों से देखा है परंतु आपको इस भीगी आंखों वाले वचन परमेश्वर के अंदर एक और परमेश्वर वचन रूपी परमेश्वर को देखना है जिसकी आंखें और गीली नहीं है वरन उसकी आंखें आग की ज्वाला सेकेंड एनकाउंटर लाइन ऑफ ज्यूडा एक और वो भेड़ है दूसरे और वो सिंह है आज भेड़ के अनुयायी बहुत भेड़ वाले यीशु की अनुयायी बहुत हैं, सिंह वाले अनुयायी सिंह वाले यीशु को कौन जानता है लाइन ऑफ जूडा। अब आप ही बताइए आपके जीवन के अंदर में प्रभु मेमने के रूप में प्रकट हुए थे कि सिंह के रूप में प्रकट हुए थे आप तो मेमने से खुश हो पर उसका दूसरा रूप देखा है आपने अरे जो कबूतर की नाई नम आंखें लेकर के आपके सामने खड़ा है वो केवल कबूतर की नई नम वाला नहीं है अरे वो तो वो भी है जिसकी आंखें आँख ये गधे पर बैठने वाला नहीं है ये घोड़े पर बैठने वाला भी है जा रहे थे शाह महोदय घोड़े पर बैठ करके बहुत भोग लगाया धरती का प्रभु ने कहा ए नीचे उतर एक ही रोशनी में चमका दिया गिर पड़ा बेचारा शाउल बाबा और उसके बाद में जिंदगी भर घोड़े पर चलता रहा बोलता घोड़ा मेरी जगह है नीचे उतर गधे पर चल परंतु यीशु तो कहता है मैं गधा के गधे के ऊपर सवार होके गया चेरूशलेम की अंतिम यात्रा में प्रभु गधे के न ऊपर में बैठे थे कब तक गधे वाले यीशु मसीह पर यकीन कीजिएगा घोड़े वाले यीशु पर कब यकीन कीजिएगा जीते जी ये गधा वाले यीशु के साथ साथ ये घोड़ा वाला यीशु का भी इनकाउंटर हमारी जरूरत है मरने के बाद की कल्पना मत कीजिएगा नंबर लगेगा मरने के बाद तभी ना होगा हाँ। जिसकी आंखें आग आँख की ज्वाला है ये जो महापुरुष है उसके सिर में एक नहीं कई राजमुकुट है वो गधी के बच्चे पर नहीं बैठा वरन घोड़े पर बैठा और अकेला भी नहीं है हाँ। बहुत से घोड़े पीछे जिसमें श्वेत शुद्ध मलमल मल पहने हुए एक बड़ी सेना है सेकंड एनकाउंटर इन द्रि क्रिश्चियानिटी विश्वासी जगत में दूसरा हमला है जो हमारे अवचेतना के लिए है वह तुम्हें पवित्र आत्मा से न माखे वाला और वह तुम्हें आग से जला देने वाला वह घोड़े पर भी बैठ वह वह गधे पर भी बैठा है वह घोड़े पर भी बैठा है वह कबूतर की नाई भी आता है और वह आग की नाई भी आता है तुम्हारी जरूरत आग की नाई वाले परमेश्वर से है तुम्हारी जरूरत सबसे पहले आँखों में ज्वाला है उस वाले परमेश्वर से उस वाले वचन से तुम्हारी जरूरत है तब जाकर के वह आपकी डी को आपकी हेरिडिटी को आपकी अनुवांशिकता को आपकी पुरानी याददाश्तों को मिटाने में मदद करेगा और ये काम वन इंस्टॉलमेंट एक्सपीरियंस में नहीं होगा लिटिल बाय लिटिल मेरे प्रियो बाइबिल को समझना है तो पूरा समझिएगा मन का कर नवीनीकरण ऐसे घुटने में बैठ के घंटे दस घंटे प्रार्थना कर लिए हे प्रभु मेरा मन बदले मन बदल दे बोलने से प्रार्थना नहीं होती ये मरने के समय तक की वह आत्मिक लड़ाई है जिसमें चौबीसों घंटे लड़ते रहना पड़ेगा इसलिए बोलता रात और दिन मैं तेरे वचन पर ध्यान करते रहता हूं सोता वगैरह नहीं क्या वॉरफेयर टिल डेथ डे एंड नाइट सावधान हर वक्त अब हम अगले अगले एपिसोड में आपके पास आएंगे कि किस तरीके से हम अपने अंदर आग को पैदा करेंगे हाउ मैन कैन हैव द एनकाउंटर विद द फायर क्योंकि फायर नहीं होगा तो नमक नहीं होगा और नमक का स्वाद ही नहीं है तो पत्थर हम नमकीन किए जा सकते हैं नमक का पत्थर नमकीन नहीं किया जा सकता है। मरे हुए कामों से आजादी और मसीह के स्वरूप और समानता में बदल जाना जैसे मेरा स्वभाव है वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो कैसे अवचेतना से मिटेगी ये कहानियां कैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड से पिछली बातों को हम भुला पाएंगे और एक एक बात बोल के हम रुक जाना चाहते हैं यदि आपने अपने मेमोरी मोड में अपनी याददाश्त वाले दिमाग में भूलने वाले चैप्टर को भूल गए तो जिंदगी भर्ष संघर्ष बना रहेगा आप कभी पहुंचने वाले पड़ाव पर नहीं पहुंच पाएगा लाल रिबिन छुए बिना आपको इनाम नहीं मिलेगा यदि दो फिट पहले आप थक गए तो आपका इनाम खो जाएगा अब आगे जाइए या पीछे जाइए रिबिन तो क्रॉस करना ही पड़ेगा हार जाने वाले व्यक्ति के लिए आज इसलिए क्यों लोग बैक स्लाइड हो जाते हैं क्यों लोग पहले का सब प्यार नहीं करते फिर उसकी कलिस को यही ना कहा था तूने पहले का सब प्यार छोड़ दिया यदि तू पहले का सा प्यार नहीं करेगा तो मैं उस दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा अंधेारा हो जाएगा आज कितने लोगों की जिंदगी अंधेरे में है कितने दे दे हैव लास्ट द फर्स्ट लव ऑफ गॉड आज कलिस या बेचैन पड़ी हुई है आज सेवक लो बेजार हो गए जर्जर जर हो गई उनकी सेविकाइया दे है सबकॉन्सियस माइंड बिकॉज दे लॉस्टेड द फायर ऑफ गॉड उनके अंदर में पवित्र आत्मा की आग की समझ नहीं थी या वैल्यू नहीं थी इसलिए विश्वासी भी भटक गए सेवक भी भटक गए मिशन भी भटक गए अपने रास्ते से आज बीड़ी के साथ में तुम बपतिस्मा दे रहे हो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के रिश्ते के साथ दे रहे हो और नहाने के बाद ठंड लगी तो गर्म करने के लिए बीड़ी है, नहीं तो अपनी गर्लफ्रेंड से चिपक के लेकर के तुमने क्यों कलंक लगा दिया बाइबिल के सिद्धांतों को रूपांतर कहा संस्थाएं भटक गई सेवक भटक गए पापियों को डुबाने में कोई दम नहीं है गाढ़ा उसे जाता है जो मर गया है तुमने तो जिंदे को गाड़ा था आखिर हाथ पैर मार के मिट्टी से नहीं निकलेगा क्या वो वासना वाले विश्वासियों को तुमने मार डाला बिड़ी वाले विश्वासियों को तुमने बपतिस्मा दे दिया लोभी वाले विश्वासियों को तुमने बपतिस्मा दे दिया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले बाप विश्वासियों को बपतिस्मा वो डूबा जरूर परंतु मोबाइल को उठा के कहता पूरा डूबूंगा पर मोबाइल को नहीं डुबाऊंगा मोबाइल ने बपतिस्मा लिया क्या संख्या बढ़ा क्यों बेवकूफ बनाते हो मिशनरियों को पेट पालन का धंधा बंद करें परमेश्वर की सेवा करें उधर पोषण की नहीं हां कि हां और ना कि ना हमें कोई फर्क नहीं पड़ता चाहो तो मानो ए लिया के चलने की ध्वनि सुनाई देती है यीशु का आगमन बहुत निकट है टाइम इज ओवर